अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि 1/0 इन्फिनिटी के बराबर कैसे होता है और 1/∞ जीरो के बराबर कैसे हो गए। अगर 1/0 इन्फिनिटी के बराबर है तो 1/∞ जीरो के बराबर हो सकती है, लेकिन पहले बात ही मैं क्लियर कर दूं, शुरू में ही बात बता दूं कि 1/0 इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता, और अगर ये बराबर नहीं होता तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकता। अब आप लोगों के जहन में सवाल आएगा, ये पढ़ा हुआ तो है आप लोगों ने, ये कोई नई बात नहीं है, आप लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हो। इवन जब आपने फर्स्ट ईयर लेवल पे आप आए हो, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, टेंजेंट 90 की वैल्यू आपने इन्फिनिटी लिखी है, तो इसका मतलब 1/0 इन्फिनिटी आपने पढ़ा हुआ है। तो वो गलत क्यों पढ़ाया गया है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगी गलत क्यों आपको बताया गया। अच्छा, अगर ये गलत है तो सही कॉन्सेप्ट क्या है? दोनों बातों के मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले आप करेक्ट कॉन्सेप्ट देख लो क्या यूज होता है यहाँ पे। इसके लिए आपको लिमिट का पता होना चाहिए। लिमिट जो है ना यार, वो टेक्निक आप उस वक्त यूज करते हो कि जब आप किसी फंक्शन के अंदर पुट करो कोई भी वैल्यू, आंसर में आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म आ रही हो या इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही हो। अब वैल्यू दोनों की नहीं पता आपको, अनडिफाइंड को तो डिफाइन नहीं कर पा रहे आप, मतलब आपको नहीं आंसर पता। इसी तरह इनडिटरमिनेट के आंसर ज्यादा होते हैं, आपको एक्चुअल आंसर नहीं पता। तो कहने का मतलब दोनों सिचुएशन में आपको आंसर नहीं पता होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोलो कि यार हाँ मुझे नहीं पता, खाना वाना खा के हम घर चले जाए। मैथ में ऐसा नहीं होता, मैथ में चीजों को डिफाइन किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोले एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x और मैं आपको बोलता हूँ कि यार इसकी वैल्यू निकालो एफ ऑफ जीरो, जब आप एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो 1/0 आएगा। मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया है कि 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म है। अब इसको तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, अब हम क्या करें, हम इस फंक्शन की जीरो पे वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे? तो यहां पे कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे लिमिट का। लिमिट क्या करती है? लिमिट वो वैल्यू पुट नहीं करती, लिमिट उस वैल्यू के पास जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप इस फंक्शन के अंदर जीरो तो नहीं पुट कर सकते, ये तो आपने देख लिया अनडिफाइन हो जाएगी, लेकिन जीरो के करीब तरीन तो नंबर पुट कर सकते हो ना, तो जीरो के जरा करीब जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन के अंदर आप 0.1 पुट करो तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10। अगर आप यहां पे पुट करोगे 0.01 आंसर आ जाएगा 100। अगर आप पुट करोगे 0.0001 तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि डिनोमिनेटर में जैसे ही आपका नंबर जीरो के करीब ज्यादा जा रहा है, देखो ये जीरो से दूर है थोड़ा, ये और जीरो के करीब है, ये और जीरो के करीब है, जैसे ही आपका नंबर डिनोमिनेटर में जीरो के करीब जाता जा रहा है आपका आंसर बड़ा होता जा रहा है, 10,000, 10,000। तो आप खुद सोच रहे जब आपका नंबर ऑलमोस्ट जीरो के पास होगा, 0.00001 इतने जीरो होंगे, तो आपका आंसर कितना बड़ा हो रहा होगा। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है। लिमिट पुट नहीं करती, लिमिट देखती है करीब जाके और देखती है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मैं डिनोमिनेटर में जो ऐसी वैल्यू पुट कर दूं जो ऑलमोस्ट जीरो हो तो मेरा आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये जो बहुत बड़ा है ना, इसको आप इन्फिनिटी कहते हो। इन्फिनिटी को नंबर नहीं है, इन्फिनिटी आप ये समझ लो कि एक बहुत बड़े नंबर को आप बोल रहे हो। वो नंबर क्या है वो हमें नहीं पता, मतलब इन्फिनिटी बजाते खुद को नंबर नहीं है, वो एक बहुत बड़े नंबर, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो जहन में रखना 1/0 इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता। तो एक्चुअल फॉर्म क्या होती है? एक्चुअल फॉर्म ये होती है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1/x। अगर डिनोमिनेटर में x, आप x अप्रोचेस टू जीरो का मतलब होता है x जीरो पुट नहीं कर रहे, जीरो के पास जा रहे हो, जो पूरी टेक्निक आपने लगाई है ना, ये लिमिट की टेक्निक होती है कि आप पास जा रहे होते हो। तो जब आप पास जाओगे मतलब x अप्रोचेस टू जीरो होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो जहन में रखना 1/0 कभी भी इन्फिनिटी नहीं होता, लेकिन 1/0 को लिमिट के कॉन्सेप्ट के जरिए से जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा इसका आंसर बहुत बड़ा आ रहा है, जिसको आप इन्फिनिटी लिखते हो। अगेन इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है। तो ये तो मैंने आपको करेक्ट फॉर्म बता दिया। अब इसके अंदर भी थोड़े इश्यूज हैं, मतलब ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को बताया जाता था लेक्चर्स के अंदर, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। अब मैं थोड़ी डिटेल में जा रहा हूं, क्योंकि ये बात इस तरह अगर पढ़ोगे तो बात गलत कंसिडर की जाएगी। इसमें एक थोड़ी सी डिटेल होती है कि देखो किसी भी नंबर के पास अगर आप अप्रोच करना चाह रहे हो, ये जो 1/x फंक्शन है ना, ये इस टाइप का बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये एक ऊपर इस तरह बन रहा था, नीचे इस तरह बन रहा था। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं x equal to 0 मतलब ओरिजिन की बात कर रहा हूं, ओरिजिन पे x की वैल्यू 0 होती है। अच्छा, अगर मैं 0 के पास अप्रोच करना चाह रहा हूं और मैं y वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूं, तो 0 के पास अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका नहीं होता। अपनी आसानी के लिए हम एक तरीका यूज करते हैं, जो हमेशा जब भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी है तो मैंने ये वाली एग्जाम्पल दी, मैंने कभी नेगेटिव भी पुट किया कि -0.1 -0.01, इसलिए क्योंकि जीरो के पास आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। सिंपल के लिए हम चलो ये रखते हैं, लेकिन आप राइट की तरफ से भी आ सकते हो जीरो के पास, आप लेफ्ट की तरफ से भी आ सकते हो जीरो के पास। मतलब अगर राइट से आओगे तो 0.1 0.01 0.0001, इस तरह आप जीरो के पास अप्रोच करोगे, और अगर लेफ्ट से आओगे तो -0.1 -0.001 -0.0001,
तो दो तरीके से अप्रोच किया जा सकता है जब आप किसी की लिमिट निकालते हो किसी वैल्यू पे, तो आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो। तो किसी भी फंक्शन की लिमिट मतलब वैल्यू उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है लिमिट का। अब होता है यहां पे ये कि जब आप इस फंक्शन पे राइट की तरफ से आ रहे हो तो आप देखो फंक्शन की वैल्यू बहुत बड़ी होती जा रही है, तो जब आप ऑलमोस्ट जीरो के पास जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन जब आप लेफ्ट से आ रहे हो तो आप देखो फंक्शन जीरो के पास मतलब जैसे आप लेफ्ट मतलब ओरिजिन मतलब जीरो के पास जाते जा रहे हो आपका फंक्शन नेगेटिव इन्फिनिटी के पास जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर। तो यहां पे आप एक बात ऑब्जर्व करोगे कि अगर मैं राइट साइड से आ रहा हूं तो लिमिट मतलब मेरा फंक्शन इनफाइनाइट होता जा रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू होती जा रही है, जबकि मैं लेफ्ट से आ रहा हूं तो उसकी बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू होती जा रही है। तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो जहन में रखना अगर आप कैटेगोरिकल इस बात की इसका पूछ रहे हो तो इसका आंसर नहीं होता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका आंसर है। अगर कैटेगोरिकल मैं करेक्ट आपको चीज बताऊं जो आमतौर पर हम अभी तक जब मैं आपको बताता था, देखो मैं राइट वाली बात करता था तो तभी मैं इसका आंसर इंफिनिटी लिखता था क्योंकि राइट से इंफिनिटी आ रहा है। लेकिन राइट से लिखने का तरीका ये होता है, अगर मैं जीरो के ऊपर एक पॉजिटिव लगा दूं ना, जीरो के ऊपर पॉजिटिव ये बता रहा है कि मैं राइट से आ रहा हूं जीरो के पास, तो तब इसका आंसर इंफिनिटी होता है। और अगर मैं जीरो के पास लेफ्ट से आऊंगा इसको हम लिखते हैं जीरो नेगेटिव, तो ये लिमिट क्या आ रही है, माइनस इंफिनिटी। तो जब राइट और लेफ्ट लिमिट बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो सबसे पहले आप जहन में रखो, सबसे पहली बात हम सीख लेते हैं क्या अभी तक हमने पढ़ा है कि 1/0 इन्फिनिटी के बराबर नहीं होता, पहली बात। तो 1/0 किसके बराबर होता है, लिमिट के जरिए से जब आप सॉल्व करते हो, जब आपका डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा तो आपका आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट के बराबर होता है। लिखेंगे किस तरीके से, इस तरह लिखेंगे। अब अगर आप जीरो के पास पॉजिटिव तरीके से आ रहे हो तो आपका आंसर इन्फिनिटी होगा, अगर आप जीरो के पास नेगेटिव तरीके से आ रहे हो तो आपका आंसर माइनस इन्फिनिटी होगा। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आंसर -10 हो जाएगा, आंसर -100 हो जाएगा, आंसर -10,000 हो जाएगा। तो ऑब्जर्व करो जब जीरो के पास आप नेगेटिव से अप्रोच कर रहे हो तो इसका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर आ रहा होगा। ये करेक्ट फॉर्म होती है, आप इस तरह इस चीज को लिख सकते हो या इस तरह इस चीज को लिख सकते हो, आप कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते कि 1/0 जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है, आप ऐसे नहीं लिख सकते। अब हम क्यों लिखते हुए आ रहे हैं बताता हूं मैं आपको, पहले इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। अब सेम कॉन्सेप्ट 1/∞, अब इन्फिनिटी को नंबर नहीं है जो 1 से आप डिवाइड कर रहे हो और उसका आंसर निकाल रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, अगेन लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिटी का मतलब डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा नंबर है, जरा हम लिमिट लगाते हैं, हम बहुत बड़े नंबर के पास जाके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डिनोमिनेटर में 10 पुट कर रहे हो, 10 बहुत बड़ा नंबर नहीं है लेकिन हम जा रहे हैं उसके पास, तो आंसर आ रहा है 0.1। अगर आप यहां पे पुट कर रहे हो 1/100 तो आंसर आ रहा है 0.01। अगर आप पुट कर रहे हो 1/10,000 तो आंसर आ रहा है 0.0001। तो यहां से आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर डिनोमिनेटर में आपको बहुत बड़ा नंबर पुट कर दो तो आंसर आपका बहुत छोटा हो जाएगा। तो यहां से आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो, अगेन लिमिट का कॉन्सेप्ट है वैसे यूज नहीं कर सकते, कि अगर आपका डिनोमिनेटर जो है मतलब एक्स जो है अगर वो इनफाइनाइट या इन्फिनिटी हो जाए मतलब बहुत बड़ा कर दो आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे कि यार हम बचपन से क्यों पढ़ते हुए आ रहे हैं 1/0 इन्फिनिटी। वो इसलिए देखो आमतौर पे चीजों को ना सिंप्लीफाई करके समझाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप टेंजेंट 90 की वैल्यू लिखते थे, तो आपने बचपन से देखा टेंजेंट 90 आप इन्फिनिटी लिख रहे होते हो, तो अगर आप इसको मैथमेटिकल वाइज लो तो ये बात गलत है, टेंजेंट 90 इन्फिनिटी नहीं होता, टेंजेंट 90 अनडिफाइंड फॉर्म है, मैथमेटिकल बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल वाइज देखो तो टेंजेंट 90 इन्फिनिटी होगा, कॉन्सेप्चुअल वाइज क्यों, लिमिट के जरिए से बात कर रहा हूं ना मैं। देखो अगर तो आपके पास लिमिट बोल दें फिर तो मसले ही हल ना, अगर आपके पास सवाल इस तरीके से आए कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 90 डिग्री टेंजेंट एक्स, ये तो भाई इन्फिनिटी होगा ना, कोई दो राय नहीं है कि जब आपका एंगल 90 के बिल्कुल पास होगा तो टेंजेंट का आंसर इनफाइनाइट होगा, ये तो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है। लेकिन नॉर्मली आपने ये चीज देखी हुई है कि टेंजेंट 90 जो है वो इन्फिनिटी है, तो ये बात मैथमेटिकल तो गलत है, टेंजेंट 90 इन्फिनिटी नहीं होगा जैसे मैंने बताया था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाइज ठीक है कि यार जब टेंजेंट 90 टेंजेंट के अंदर आप ऐसा एंगल पुट करोगे जो ऑलमोस्ट 90 होगा या 90 के पास होगा तो टेंजेंट का आंसर बहुत बड़ा आता है, उस बहुत बड़े को आप इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हो। तो मैथमेटिकल ये बात गलत है लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाइज ठीक होती है, दैट्स व्हाई आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो टेंजेंट 91 है, या इसी तरह वाई एक्सिस का स्लोप भी 1/0 वाली फॉर्म है, वो भी इनफाइनाइट आप बोलते हुए आ रहे हो, हालांकि अनडिफाइंड प्रॉपर वर्ड होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वाइज बात बिल्कुल ठीक है, जब आपकी लाइन बिल्कुल वर्टिकल होगी तो उसका स्लोप बहुत बड़ा होगा, बहुत इनफाइनाइट होगा, ये आप कह सकते हो। ठीक है बच्चों, तो डिटेल में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, अगर आप लोगों के सवाल हो तो आप लोग पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।